वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर सबसे त्रासदी में गुजर रहा है राजस्थान का प्रवासी श्रमिक। और राजस्थान का प्रवासी श्रमिक जो राजस्थान में आया है 90% लुटपिट कर आया है, स्वयं के संसाधनों से आया है। और यहां आने पर राजस्थान की सरकार ने जिस प्रकार की स्क्रीनिंग उनकी करनी चाहिए थी वो नहीं की, और इसी कारण से कोरोना वैश्विक महामारी फैलती जा रही है। राजस्थान की सरकार ने जो मजदूर जैसी श्रेणी के 26 प्रकार की कैटेगरी के लोग थे उनकी मदद के लिए जो सर्वे प्रारंभ करने की बात की, जिस सर्वे को आज ग्रामीण क्षेत्र में समाप्त होना था, 25 तारीख को शहरी क्षेत्र में प्रारंभ हो रहा था, दुर्भाग्य है कि आज उस सर्वे का ऐप पोर्टल और किसी प्रकार की तैयारी सरकार की नहीं है। जन आधार के आधार पर जो सर्वे होना था, आज जन आधार से राजस्थान के लगभग 20% लोग ही जुड़े हैं, 80% जुड़े नहीं, प्रवासियों का तो बिल्कुल जुड़े ही नहीं है। इस प्रकार का क्रूर मजाक राजस्थान की सरकार प्रवासियों से कर रही है। और ऊंचा नगला भरतपुर में जिस तरह की नौटंकी हो रही है, मैं समझता हूं मानवता को शर्मसार करने वाली है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को चाहिए कि राजस्थान के प्रवासी जो मूल राजस्थान के उनकी देखें, नरेगा में किस तरह उनको काम मिल सकता है उसके लिए उनके जॉब कार्ड की तैयारी करें। और केंद्र सरकार ने जो योजना बनाई कि हर प्रवासी को 2 माह तक 3500 करोड़ की भी योजना से खाद्यान्न मिलेगा, उसकी तैयारी करें तो बहुत बेहतर होगा, न कि अपनी सियासत के अंदर श्रमिकों के साथ इस प्रकार का क्रूर मजाक।